हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे कुकिंग शो में। मैं पूजाना मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूं एक न्यू रेसिपी। एग बोंडा फ्राई बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है आइए देखते हैं। ये अंडे हैं जिसे मैंने पहले से उबाल लिया है और उबाल के छील के एक प्लेट में रखा हुआ है। तेल, हरी मिर्च, चावल का आटा। चावल को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। फिर मैंने उसका मिक्सर, उसका पाउडर मैंने एक बाउल में रख दिया है। बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप। अब सबसे पहले मैंने अंडे को उबाल के छील के एक प्लेट में डाल दिया है जिसमें मैं जरा सा लाल मिर्च पाउडर, जरा सा नमक हल्की सी काली मिर्च, हल्का काली मिर्च पाउडर आपको डालकर इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। मैंने ऑलरेडी गैस फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया है ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। अब मैं इस कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। अब हम सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं और हमारा जो कढ़ाई है गर्म हो चुका है, तेल डाल दिया है। जो मैंने चावल का आटा बनाया है उसमें हम 4 चम्मच मैं चावल का आटा डाल दे रही हूँ। अब लाल मिर्च पाउडर ज़रा सा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च यानी कि 1 पिंच। अब जो मैंने हरी मिर्च रखे हुए थे उसको मैं फटाफट से चॉप्ड कर लूंगी। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। ये प्रोसेस हम बैटर बनाने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिए बैटर हमारा ना जले और ना ही पतला हो, इसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है। थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्लेम थोड़ा हाई कीजिए। जब आप पानी डालें तो फ्लेम थोड़ा सा हाई होना चाहिए। इस तरीके से हमारा बैटर बन चुका है। थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं। ध्यान रखिएगा ज़्यादा पतला ना हो। देखिए पूरा पानी सोख लिया है। पानी जो है फटाफट सोख लेता है ये चावल का आटा। ये हमें बैटर बनाना है ना कि हमें सूजी का हलवा जैसे बनाना है। तो इसी तरीके से आपको अगर ज़रूरत पड़े पानी का तो आप मिलाते रहिएगा और इस तरीके से 2 मिनट तक आप अच्छे से पकाइए। अब मेरा बैटर रेडी हो चुका है। गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इस बैटर को एक बॉल में निकाल लेना है। थर्ड प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा तेल इसमें डालूंगी। 2 से 3 चम्मच तक आप डाल सकते हैं। अब इस अंडे को मैं एक अंडे को मैं इस तरीके से 2 पीस में काट लूंगी। अब इसमें हमें ये जो बैटर बनाया है इस बैटर को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। बैटर गाढ़ा होना चाहिए ताकि इस तरीके से अंडे को कवर कर सके, अच्छा सा एक कोटिंग दे सके। अब हमारा अंडा पूरा कवर हो चुका है इस बैटर से। सो इसी तरीके से सारे अंडे को हमें इस तरीके से बैटर से कवर कर देना है। ये हमारा एग फ्राई करने के लिए मैंने इस तरीके से पूरा
रेडी कर लिया है। एग बोंडा फ्राई के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है और इस तरीके से वन बाय वन एग के बोंडे इस तरीके से डालते जा रहे हैं। आप इसको अंडा बोंडा भी बोल सकते हैं और एग बोंडा फ्राई भी बोल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सच अ फनी वर्ड राइट, बट ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। हमारा एग बोंडा फ्राई रेडी हो चुका है, तो एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसे हम पाव के साथ इस तरीके से इसको हम सर्व करेंगे। इस तरीके से पाव को मैंने बीच से काट लिया है। काटने के बाद हम जो ग्रीन चटनी है जिसे हमने धनिया पत्ता, लहसुन, मिर्च इस तरीके से लगा के हमें ऐसे स्लाइस ऑनियन डाल के बीच में हमें सैंडविच की तरह बना के खाना है।